हमारा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 चल रहा है, और एग्रीकल्चर के बारे में हमने कल पढ़ा था, इसके फीचर्स पढ़े थे, इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, फिर हमने इसके रिफॉर्म्स पढ़े थे। रिफॉर्म्स के अंदर ही आता है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के भी फीचर पढ़े थे, उसके फ़ायदे पढ़े थे, और अब जाके हम पढ़ रहे हैं क्या क्या फ़ायदा रहा। तो इम्पोर्टेंस, ये किस चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी रिफॉर्म्स की, कि रिफॉर्म्स जो किए गए उसके फ़ायदे क्या मिले। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन उसी अलग उन्हीं है सब के अंदर था, उन्हीं सब के अंदर था। और वो एक रिफॉर्म नहीं, ओवरऑल रिफॉर्म दिए गए ना, टेक्निकल और तीन और रिफॉर्म थे ना, वो ओवरऑल रिफॉर्म्स हुए इतने सालों के अंदर, जिसका पार्ट था एक ग्रीन रेवोल्यूशन, जो फोकस ज़्यादा किया गया इसके ऊपर। हाँ भाई, तो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स हुए, इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो एक बार हम इसमें क्या लिखा है इसको इग्नोर करते हुए हम बात करेंगे किसकी, कि इसके आंसर में क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। तो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, बड़ा। GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा किसका, एग्रीकल्चर का। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन, यानी ये इसको ऐसा बोलना बेस्ट रहेगा, क्या हुआ था, प्रोडक्शन बड़ा था, लेकिन क्योंकि हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट कर गए थे, इसकी वजह से ओवरऑल GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया था, कम। हाँ भाई, रिफॉर्म का फायदा तो मिला, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़े, लेकिन जो ओवरऑल GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या हो गया, कम। क्लियर है पहला पॉइंट। फिर जैसा कि यहां बोला गया, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, तो हमने क्या बोला, जो हमने बात की थी, प्रोडक्शन बड़ा था, प्रोडक्शन बड़ा था। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट बड़ा था। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि अब जब HYV सीड्स यूज हुई, प्रोडक्शन इसकी भी बड़ी। यहाँ पर रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, एक तो हो गया कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर खाता है, दूसरे इंडस्ट्रीज जो लेती हैं उसके बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल। तो ये भी, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड, यानी सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जिसे कह रहे हैं मशीन्स, मशीन्स की डिमांड भी बढ़ी। क्यों, रिफॉर्म्स आने की वजह से लोगों ने ट्रैक्टर और जो कल्टीवेशन के नए मेथड थे, नई मशीनें थी, वो खरीदनी स्टार्ट की, उसकी भी डिमांड जो थी वो बढ़ी। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमने इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट हमने, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े और इम्पोर्ट भी हमारे बढ़े। लेकिन हमारा इम्पोर्ट मेन क्या था, क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, देश के अंदर भी हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं कि रोडवेज, रेलवेज जो भी था, इनका भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, इनको सपोर्ट मिली, यानी टर्शरी सेक्टर भी इसकी वजह से क्या हुआ, इम्प्रूव। एंड वेल्थ ऑफ द नेशन, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड कैसे बढ़ जाएगी, बदतमीज क्या बोल रहे हैं। तो आओ जरा इसे कंक्लूड कर लेते हैं, इनमें से कौन कौन से पॉइंट हम लेकर आएंगे देख लेते हैं। हाँ भाई, थोड़ा याद कर लें, इसे याद कर लें क्या करना है इसमें। चलो भाई, भाई जी आ जाओ। चलो पहले तुम ये बताओ, हाँ जी बाबू जी, पहले बताओ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या थी, पहली प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों क्या थे, कम। दूसरा, हम रेनफॉल पे डिपेंड थे। तीसरी, हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग चल रही थी। इन तीनों की वजह से हम क्या थे, बैकवर्ड। स्टैग्नेंसी के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, फिर इसकी वजह से गल्फ हुआ था, झगड़े हुए थे, फिर कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या क्या, फूड क्रॉप से हम लोग कैश क्रॉप की तरफ हम शिफ्ट हुए थे। फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड लैंड्स थी। तो ये सारे, अब हम कह रहे हैं कि जब लैंड रिफॉर्म आया तो क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट यहां से क्या जी, प्रॉब्लम
हाँ इसी में आ गया ना, वो तो इसी में था कि पैसा वो देते थे अनऑर्गेनाइज मार्केट, मतलब इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये एक तो इसके लिए पैसा देते थे कैश क्रॉप के लिए, और यहाँ पे तो जमींदार उनको हेल्प करते थे, फिर उनको क्या नाम है, नहीं तो प्रॉब्लम, हाँ वो इसी में आ गया ना, जमींदार तो देते थे, वो महाजन जिसको कहते थे ना जमींदार ही होते थे महाजन्स। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बढ़ा। हाँ भाई, प्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स का भी बढ़ा और रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन बढ़ा। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया, हमारी डिपेंडेंसी किस पे थी, मेन रेनफॉल पे। ये इसको ना तो कौन सा कीड़ा लग जाता है यार, कभी कभी ये बदतमीजी करता है ये। हमने यहाँ पर बात की थी, हाँ पहला क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरा क्या था, प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई, बड़ी। यहाँ पर हमने कहा था हम रेनफॉल पे डिपेंड थे, है ना, यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्या कहते हैं इसको, क्या थे वो हमारे वॉल्स एंड कनाल्स, ये सब हमने क्रिएट किए, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल क्या हुई, कम। सब्सटेंस फार्मिंग थी, हम कॉमर्शियल हमने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट।
अभी तो हमने क्या बोला था, सब्सटेंस फार्मिंग से क्या लेकर आए कि कॉमर्शियल बने और उसका फ़ायदा क्या मिला, हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हुआ बढ़ा। फिर हमारा क्या था, जो ज़मींदारी सिस्टम था, हमारा ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, हम आई थिंक इसको अगर हम लेकर आए कि इसको हम क्रेडिट क्रेडिट वो भी ले सकते हैं ना, फाइनेंस को ले सकते हैं, फाइनेंस भी ले सकते हैं इसके अंदर, है ना, कि सरकार का, सरकार की तरफ से इनको फाइनेंस किया गया, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ मिली और ये इशू तो सॉल्व हो गया। अब तो झगड़ा बचा ही नहीं हो गया, खुद ही जमींदार मतलब जो टेलर थे वही क्या बन गए, ओनर ऑफ द सॉइल बन गए। ऐसे ही ये वाली बात भी हो चुकी है हमारी कि फूड क्रॉप से ये थे हम मार्केट के लिए, मार्केट के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, जिसके ऐसे यहाँ पर हमने रखा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ लिया और डोमेस्टिक कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही लास्ट क्या था हमारा, फ्रेगमेंटेड जमीन थी वो एक ही जगह हो गई, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आसानी मिली। हाँ भाई ठीक है ना, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सारे के सारे पॉइंट्स भैया वाली बातों की, मैंने इसे बोला तुम्हें किताब ने खुद बनाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंस वैसे भी तुमने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंस के लिए कभी एग्जैक्ट पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारी फीलिंग होती है तुम्हें लेकर आनी है। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। जीडीपी बढ़ी लेकिन सर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी लेकिन जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा कंज्यूमर गुड्स का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रॉ मटेरियल यानी इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई बढ़ी, इंडस्ट्रियल गुड्स यानी मशीन की डिमांड ज़्यादा आई, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा क्योंकि रॉ मटेरियल जो बढ़ा तो हमने दुनिया भर को बेचा, ऐसे ही डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी इसका क्या हुआ बेनिफिट मिला। ठीक है पार्थ, भैया पार्थ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। उस दिन हमने केस स्टडी साथ साथ की तो पॉइंट पढ़े होते सारे साथ साथ, ये क्वेश्चन आंसर हमने साथ साथ ही किए थे उस दिन, फर्स्ट क्लास में नहीं किए थे, किए थे तुमने कहा था कि साथ साथ कर लेते हैं, है ना, करे थे मुझे याद है, करे थे हम लोगों ने। हाँ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या इसके है, किए थे ना साथ में, इसको साथ साथ कर लेते हैं, इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है ना, ईजी रहेगा समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ जी पेज नंबर है हमारा ये 62, पेज नंबर 62। करें शुरू, क्वेश्चन नंबर 1 इंटरमीडिएट्स को हटाया गया और लैंड सीलिंग लगाई गई, क्या ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है, नहीं, क्या ये एक्सटर्नल सेक्टर, नहीं, क्या ये बैंकिंग है, नहीं, आंसर इज टेक्निकल में तो सीड्स की बात की गई थी, सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। अब लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्स रूरल लैंड होल्डिंग्स एट अ एग्जिस्टिंग लेवल, नहीं अभी नहीं पता समझेंगे, फिक्स्ड लैंड एरिया ऑफ इरिगेशन पर्पस, नहीं ये तो मतलब ही नहीं हो ही नहीं सकता, फिक्स अर्बन लैंड होल्डिंग एट एग्जिस्टिंग लेवल, अर्बन की तो बात ही नहीं हो रही, फिक्स क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये है एक आदमी मैक्सिमम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट फॉलोइंग इन एग्रीकल्चर, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, है ना, हमने क्या बोला कि एक तो था कि हमने जो खेती की है उस खेती के बाद कुछ टाइम के लिए हमें अपनी जमीन को खाली रखना पड़ेगा जिससे कि उसकी फर्टिलिटी क्या हो, इम्प्रूव हो। वॉट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सेम चीज, क्या मैक्सिमम होल्डिंग साइज ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर, एक आदमी के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, वॉट वॉज द बेसिक एम फॉर इंटरमीडिएट्स को हटाने के पीछे मेन एम क्या था, तो द बेसिक एम वॉज टू कन्फर
ऑनरशिप राइट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड टू द टेलर, क्या था मेन, कि जो जिस जमीन को कर रहा है उसको उसका राइट दे दिया जाए, ठीक है, जिससे कि वो क्या करे, वो उसके लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए काम कर सके. नेम द टू मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब क्या बोल रहे हैं, टू मेजर अंडरटेकिंग क्या किया गया, एक तो लैंड रिफॉर्म और दूसरा क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई, टेक्नोलॉजिकल जो था हमने रखा था, तीन थे ना, एक था जनरल, तो इसको क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल. ये क्या था, लैंड रिफॉर्म. नहीं वो तो रिफॉर्म, वो तो पूछ रहा है ना कि दो टू मेजर्स बताओ, तुम उसके अंदर क्या बताओगे. नहीं अब तुमने तीन पढ़े ही, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. तुमने अब दो पढ़े नहीं, समझे नहीं, क्यों नहीं आए, वही तो समझना है, है? भाई रिफॉर्म एग्रीकल्चर में तीन थे, एक तो लैंड टेक्नोलॉजी और तीसरा जनरल. तो तुम मेन टॉपिक्स को ही कवर कर लो. व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हाँ भाई खुद के लिए करना. फार्मिंग विच इज डन टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर द फार्मिंग फैमिलीज, इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन रेदर देन द कॉमर्शियल क्रॉप फॉर द मार्केट. What is meant by the disguised unemployment? किसे कहते हैं disguised? तो it refers to the hidden unemployment कहते हैं. It is a situation when more persons are engaged in farming than what is required to get the maximum output from a given period of land. क्या बोल रहा है कि अगर वो नहीं भी होता तब भी बाकी लोग उतना ही production करते, तो ये वो आदमी है जिसका होने ना होने का कोई फायदा नहीं है. हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म में पहली बात तो ऑनरशिप बदली गई. हाँ भाई, ऑनरशिप जमींदारों से लेकर किसको दे दी गई, टेलर्स को. दूसरा, लैंडलॉर्ड टैलेंट का रिलेशन जो था वो चेंज हुआ. लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या हुआ कि वन थर्ड की मैक्सिमम कितना, वन थर्ड ले सकते हैं. एंड साइज ऑफ कंसोलिडेशन क्या था, ये फ्रेगमेंटेड जमीन थी उनको एक साथ कर दिया गया. हाँ, सब लोग मिलके कर रहे थे जो, हाँ थे, लेकिन मैंने कहा था ना जो कॉर्पोरेट फार्मिंग थी वो यहाँ ना आके जनरल रिफॉर्म में आनी चाहिए थी. ये भी तो बोला था कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या था, सब लोग मिलकर इकट्ठा मार्केटिंग करेंगे तो जनरल में जाए तो ज़्यादा अच्छा है. व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द फार्मर्स एट वन पर्टिकुलर लोकेशन, एक ही जगह पे. मतलब वही क्या, टुकड़े जो थे अलग अलग टुकड़ों को एक जगह लाके इकट्ठा कर दो. इन प्लेस ऑफ दिस स्कैटर्ड पीसेज ऑफ लैंड एट सेवरल लोकेशन. व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, अब कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द सिस्टम वेयर इन फार्मर्स वॉलंटरली पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेशन द सॉइल, ऑल्सो दे सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली. द आइडिया ऑफ मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट है. फिर व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बनाई जाती है. मिनिमम प्राइस, ऑफरिंग मिनिमम प्राइस टू द फार्मर बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन क्रॉप्स. इट फोकसेस स्टेबलाइजिंग, ही होगा स्टेबलाइजिंग इनकम फ्रॉम फार्मिंग. हाँ ठीक है, कि फार्मिंग से रेगुलर एक प्रॉपर इनकम आती रहे. What are miracle seeds? HYV को कहते हैं miracle seeds. HYV को बोलते हैं miracle seeds. ठीक है, which raised agriculture yield per
एकर ऑफ लैंड यानी भाई पर हेक्टेयर। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? हाँ भाई, द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। टोटल प्रोडक्शन में से जितना उसका जरूरत है पहले वो खा ले और जो बचेगा वो सरप्लस, इसे कहते हैं क्या, मार्केटेबल सरप्लस। व्हाई डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 65% ऑफ द आवर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990. 65% ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990 बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू, अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिले थे। कौन करता था इंडस्ट्री? सरकार चलाती थी और परमिशन, टर्शरी सेक्टर भी इंडिया में नहीं आया था ढंग से। हम क्या बोल रहे हैं, क्या जिस नहीं सुन तो लो, वो तो पहले आज़ादी से पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था ना वो, तो तब तक तो कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी थी नहीं। हाँ हाँ, ये भी एक रीज़न बन सकता है, लेकिन दूसरा रीज़न जो, ये भी एक रीज़न बन सकता है लेकिन यहाँ पर दूसरा रीज़न दिया है, बोल रहा है कि जब सरकार ये लेकर आई थी उस समय तक लोगों का मेन 1990 तक लोगों का मेन बिजनेस क्या था? एग्रीकल्चर, क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं सकते थे वो। 1991 में जब LPG आई तब जाके प्राइवेट सेक्टर को क्या खुला, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर खुले। हाँ, तो इन्होंने एक पॉइंट रख दिया कि वो परमिशन थी नहीं उनके पास, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर था नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सीलिंग? फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लैंड limit of land which could be owned by the individual and beyond the specific limit all lands beyond to a particular person are taken over by the government and allotted to the landless cultivator. फिर समझ लो जिसके पास जरूरत से ज़्यादा लैंड है उससे वापस ले ली जाएगी और वो लैंड जरूरी जो कल्टिवेटर्स हैं उनको, जिनको जरूरत है, लैंडलेस हैं जो, उनको दी जाएगी और उसके बाद भी कुछ बचती है तो वो सरकार अपने पास रख लेगी। ग्रोथ लीड्स टू डिक्लाइन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर टू GDP, GDP में। हाँ तो आ जाओ देखते हैं, पहली बात तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, रीज़न आते हैं। तो डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स नॉट बी इनकम इलास्टिक एज द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूज इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, एज इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज दे टेंड्स टू स्पेंड हायर एंड हायर परसेंटेज ऑफ इट्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड्स and demand for the non-agriculture goods expand faster than the demand for the agriculture goods. इसको समझते हैं, आई थिंक ये बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर गुड्स से। ठीक है, अकॉर्डिंगली मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टेड इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर, दिस लीड्स टू फास्टर ग्रोथ ऑफ, अपने बनाएंगे अकॉर्डिंगली देयर इज, ठीक है वही कह रहा है ये, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि ग्रोथ लीड्स टू डिक्लाइन इन परसेंटेज। हम क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रीन रेवोल्यूशन या रिफॉर्म्स की वजह से फ़ायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी GDP में कंट्रीब्यूशन कम था। क्यों था? क्योंकि उस समय तक क्या हो चुका था, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री आ चुकी थी। अब क्योंकि आज़ादी की बात ही बात है तो गवर्नमेंट खुद आ चुकी थी बिजनेस करने के लिए इंडस्ट्रीज लेकर। तो LPG की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, LPG तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आई है, उससे पहले सरकार ने तो कंपनियाँ खोली थी, गेल भेल सेल मारुति ये सारी कंपनी किसे खोली थी सरकार ने? तो लोग गांव से कहाँ शिफ्ट होने शुरू हो चुके थे भाई, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं आ रहे थे ना, लेकिन सरकार ने तो कंपनियाँ खोली थी ना, सरकार ने जो कंपनी खोली तो लोगों को नौकरी मिली, रोजगार मिला, तो लोगों ने मतलब जो लोग खेती कर रहे थे उनका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन कई लोग जो थे वो उस सेक्टर से निकल के कहाँ चले गए, मतलब खुद बिजनेस करने नहीं लेकिन क्या जॉब करने, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज थी ना 1990 से पहले। तो क्या बोल रहे हैं कि बढ़ा तो GDP तो मतलब ओवरऑल, अब क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन लोग ज़्यादातर कहाँ शिफ्ट हो गए, यानी गवर्नमेंट ने ही खुद कर लिया क्या सेकेंडरी टर्शरी का काम? बैंकिंग सरकार ने खोल ली थी, सर्विस सेक्टर, रोडवेज रेलवे सरकार का था,
क्या नाम है, भारी जो हम बोल रहे हैं ट्रैक्टर बनाना, ये सब कुछ सरकार ने स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस सारे सरकार ने स्टार्ट कर दिए थे, तो लोगों को एक सेकेंड ऑप्शन मिला एग्रीकल्चर के अलावा काम करने के लिए। नहीं, ग्रोथ ये हो रही थी लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन शिफ्ट कर चुकी थी कहां पर, तो ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा था, मतलब ज्यादा एग्रीकल्चर के कंपेयर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा था, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। और फिर कोई चीज ना, हम दिन भर में क्या करते हैं भाई, हाँ भाई सुनो, दिन भर में एग्रीकल्चर गुड्स तो सुबह दोपहर शाम खाने के लिए काम आते हैं, बाकी दिन भर तो बहुत कुछ चाहिए होता है ना, वो सब कुछ कौन देती है, इंडस्ट्री। इन्होंने ये भी टर्म यूज़ किया है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल गुड्स। हाँ भाई क्लियर है, इसको ऐसे स्टार पॉइंट बना लेना, क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन कर देना इसको, स्टार क्वेश्चन। हाँ भाई, लैंड रिफॉर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज ट्रू दैट द लैंड रिफॉर्म्स आर रूट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, बट हाँ रुको रुको, बट नॉट ट्रू टू स्टेट दैट दीज रिफॉर्म्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स, अब लैंड रिफॉर्म ने क्या क्या किया एक बार देखते हैं। कन्फर्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, मालिक बना दिया। फोकस ऑन द रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट फिक्स कर दिया 1/3 ऑफ द रेंट। एम एट कंसोलिडेशन होल्डिंग, यानी एक जगह पे जमीन ला के दे दी। एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोग मिलकर इकट्ठा फार्मिंग, नहीं अब तो डाल ही दो यार, इन सभी क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मतलब बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में। वो तो आ ही गया ना, ये टेलर दे तो रहा है, पहला पॉइंट आता हो गया टेलर, उन्हीं को मालिक बना दिया गया। हाँ तो वो जमींदारी तभी तो हट गई, जमींदारी को अब वो कहना होना तभी तो हुआ ये। एंड दीज रिफॉर्म्स प्रिवेंट मार्जिनलाइजेशन ऑफ द टेलर्स of the tillers of the soil and the and promote their interest in farming accordingly। अभी अब क्वेश्चन वापस आते हैं, वो बोल रहा था लैंड रिफॉर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, हाँ ये दुआ सही है, तो उसने पहले क्या बोला, यस ये सही है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, कहाँ गया, देयरफॉर डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, क्या इसने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूट तो इसने किया, कॉन्ट्रीब्यूट तो इसने किया लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्लियर है ना। पहला आंसर क्या था, हाँ ये सही है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा क्या था, ये सही नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ा, इसका असर इस पर पड़ा। और वैसे एक और चीज़ देखना, यहाँ पर तुम देख रहे होगे इन्होंने वो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इसी के अंदर ही जोर दे रहे हैं, तो इसी में हम रखें, ज़्यादा हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो अच्छा रहेगा। कौन सा वाला, कौन सा पुराना बोलो, पिछला बोलो, पुराना क्या होता है भाई, पुराना। हाँ इसने यहाँ पर कहा था कि जीडीपी में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो रही थी, मतलब जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन उसका कम हो गया। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इसमें से हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक अगर हम कहें दोनों मिलाकर हो गए 70%, तो इसका कितना है सिर्फ 30%। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया, जीडीपी में टोटल के अंदर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना, 30%, मतलब इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो गया, पहले जो 70 था वो कितना रह गया 30। प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन कम हो गया, क्योंकि वहाँ से लोग कहाँ शिफ्ट कर गए, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। अच्छा क्यों, क्योंकि ये सब काम किसने संभाल लिया था, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ही तो नहीं करी थी ना, और अर्बनाइजेशन भी हुआ भाई, इंडस्ट्रीज लगने से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो लोग गांव से शहर पहुंचे, तो गांव की जो पॉपुलेशन थी वो शहर पहुंची, उन्होंने शहर में जाके इंडस्ट्री लेने में नौकरी करनी शुरू कर दी, सेकेंडरी में वो देखो टर्शरी सेक्टर में नौकरी शुरू कर दी, और इनके गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा थी। प्रोडक्शन तो एच आई वी सी से बढ़ा था, जमीन पहले क्या था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था ना, लोग तो उतने ही थे, कुछ भाई निकल गए तभी प्रोडक्शन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HYV सीड्स आ चुकी थी, तो HYV सीड से प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन
वो जो लोग गए थे उन्होंने जाकर इंडस्ट्री में और टर्शियरी सेक्टर में उनके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वो खत्म नहीं बोलेंगे, लेकिन तब भी वो शिफ्ट हो गई जिसकी वजह से वहां का प्रोडक्शन बढ़ गया और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड, जैसे मैंने भी बोला कि एग्रीकल्चर गुड्स तो हम फिर भी दिन में 3 टाइम खा रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स तो दिन भर जरूरत पड़ रही होती है घरों में। बट जीडीपी तो भाई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। अभी जैसे मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा भाई? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन अब कहाँ आ रही है अपने इंडिया में? ये पहले से आ रही है, लेकिन मोदी जी किस पे फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा लेकिन इंडस्ट्री का ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब एप्पल, जैसे अभी एप्पल ने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है मोबाइल, हाँ 2 साल पहले स्कोडा ने इस साल इंडिया में शुरू कर दिया, वॉक्सवैगन और इंडिया में बन रही है स्कोडा की गाड़ियाँ, और बहुत सारी मोबाइल कंपनियों ने इंडिया में सेटअप, सैमसंग का सेटअप लग चुका है इंडिया में, तो वो सब जो प्रोडक्शन इंडिया में होगा तो इंडिया की जीडीपी क्या होगी? क्लियर है? तो वो बताया जा रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था हमारे यहाँ पर, जो कहाँ शिफ्ट हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसने क्या किया और लोगों की डिमांड भी थी जो इंडस्ट्रियल गुड्स की वो क्या थी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा, जबकि उसके लिए भी प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उनका प्रोडक्शन इसके कंपेयर में ज़्यादा बढ़ा। सीलिंग ऑन लैंड सॉरी होल्डिंग साइज प्रमोट्स इक्विटी, हाँ एकदम, इट इज ट्रू दैट सीलिंग ऑफ द होल्डिंग साइज प्रमोट्स इक्विटी, सीलिंग द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड अपने कल्टिवेशन के लिए, एंड वंस दिस लिमिट इज एनफोर्स द गवर्नमेंट रिज्यूम्स द सरप्लस, जितना रिमेनिंग होगा सरकार ले लेगी, एंड द सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स और अमंग द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स, एंड दिस प्रमोट्स इक्विटी, गरीबों के पास भी क्या क्या उनको भी मिला, जमीनें मिली। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड देर इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो क्या बोल रहे हैं ये एक प्रॉब्लम थी, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन ऑफकोर्स बट इट कैरीज द क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर टेंड्स टू बिकम जीरो, उनका वो बेनिफिट इकोनॉमी को नहीं हो रहा था। एड अनदर वर्क्स टू फार्मिंग वेयर देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यू विल फाइंड दैट दिस कंट्रीब्यूशन टू द टोटल आउटपुट इज जीरो, भाई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था, वो निकल भी आते तब भी उतना ही प्रोडक्शन रहता। लाइकवाइज इफ अ वर्कर इज विड्रॉन फ्रॉम फार्मिंग टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल डीपर द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड क्या बोल रहा है कि लार्जर इज द नंबर ऑफ अनप्रोडक्टिव वर्कर्स दस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज साइन टू लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। मार्जिनल फार्मिंग आर सब्सटेंस फार्मिंग, ट्रू मार्जिनल फार्मिंग आर सब्सटेंस फार्मिंग, मार्जिनल का मतलब क्या हुआ सिर्फ अपने लिए ही कर रहे थे। रीजन द मार्जिनल फार्मिंग आर ऑल्सो सो स्मॉल फार्मर्स दैट दे अवॉइड एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द मार्केट रिस्क, अकॉर्डिंगली दे फोकस ऑन द सब्सटेंस फार्मिंग, द फार्मिंग विच इज नॉट मार्केट ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस ओरिएंटेड, ओनली दोज क्रॉप्स आर ग्रोन विच आर नीडेड टू द सेल्फ कंजम्पशन फॉर देयर फैमिलीज। तो क्या बोल रहे हैं वो अपने लिए प्रोडक्शन करते थे और स्पेशली क्या फूड क्रॉप ही करते थे अपनी जरूरत के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोट ऑफ इक्विटी वॉज, ये क्या होगा, ये गोल होगा, ये गोल द गोल ऑफ इक्विटी वॉज फुली सर्व्ड बाय द एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडियरीज कमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्यों, क्या बोल रहा है ये कि इक्विटी सिर्फ इंटरमीडियरीज को हटा के हुई? क्योंकि अब ध्यान देना, अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये तो सिर्फ पार्ट,
है ना, एक पार्ट था, बाकी और ही पार्ट थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली बिकॉज इन सम एरियाज फार्मर्स जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन। क्या मतलब है इसका? मेरे पास था 500 बीघा खेत, सरकार ने बोला 100 से ऊपर एक आदमी के नाम पर नहीं होएगा, ठीक है, हमने अपने बच्चों के नाम पर अलग अलग कर दिया, है ना, बीवी के नाम पर, भतीजे के नाम पर, भांजे के नाम पर, सबके नाम पर 100 बीघा डाल दिया उन्होंने। इन सम केसेस टेनेंट वर, क्या किया उन्होंने, टेनेंट ने भी क्या किया यहाँ पर, जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर, कि हम ही है, मतलब उन्होंने टेलर्स को हटा दिया कि टेलर्स है ही नहीं, हम खुद ही करते हैं इस जमीन के अंदर खेती। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर डिड नॉट बेनिफिट द लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे ना, क्या करते बेचारे, जमीन तो मिल गई लेकिन बिना पैसे के करते क्या, सीड्स कहाँ फैलाते ऊपर से, कौन सा ले नहीं, तो इन जनरल डायरेक्ट पॉइंट है, तो ये ऊपर तो हमने वो पढ़ा उसमें क्या दिया, तुम देख रहे हो ये तो और इजी है, ये तो तुम्हें बहुत इजी लग रहे होंगे, वहाँ तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहाँ के जो कॉन्सेप्ट थे वो पता है तुम्हें, इसलिए तुम इसकी आंसर बोल पा रहे हो ना। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय द गवर्नमेंट, दोनों मिलकर करते हैं प्राइवेट सेक्टर दोनों, इसलिए क्या बोलेंगे, गलत है ये। एंड लैंड सीलिंग रेफर्स टू द चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग, ऑनरशिप नहीं बदल रहे थे लैंड सीलिंग के अंदर, जिसके पास ज़्यादा है उसको सरकार लेकर जरूरतमंद को दे रही थी, नहीं अरे तो पूरी थोड़ी हुई है, हम क्या बोलेंगे, पूरी थोड़ी हुई है, किसकी, किस पार्ट को, जो एक्स्ट्रा था उसकी बात करनी थी यहाँ पर। तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग नहीं बदली थी उन्होंने, क्या बोला था, तो फॉल्स बोल रहा है, लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट, लिमिट की बात करती है ये, लिमिट विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, लैंड सीलिंग बोलती है इतना लिमिट तक एक आदमी रखेगा, इसके ऊपर ज़्यादा अगर होती है तो वो किसी और को दे दी जाएगी। अभी क्लियर है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस सफिशियंट फूड ग्रेन्स टू बिल्ड इट्स स्टॉक दैट कुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्टेज, एकदम सही बात है ये। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये था, मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एज अ रिजल्ट इंडिया वॉज एबल टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इन बिल्डिंग बफर स्टॉक विच कुड बी यूज इन द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, वाइल सब्सिडीज एनकरेजेस फार्मर्स टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, क्या बोल रहे हैं आप, सब्सिडीज की वजह से क्या सस्ती टेक्नोलॉजी मिल रही थी तो नई चीज लेके, मतलब वही जो कल्टीवेशन के जो मेथड्स थे, है ना, दे आर ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, हाँ एकदम सही बात है। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ द सब्सिडीज, हाँ भाई, इन इंडिया सब्सिडीज आर नेसेसरी बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज, है ना, इतने पैसा था उनके पास। टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज से हुई बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ द इक्विटी, सो द गवर्नमेंट शुड कॉन्टिन्यू विद द एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कॉन्टिन्यूस टू बी अ रिस्की बिजनेस, देयरफॉर नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द सब्सिडी नॉट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्म, और फायदा किसको मिलना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम बात करें क्या ऐसा हुआ, हाँ एकदम हुआ, लेकिन इसका रियल बेनिफिट किसानों को किसने दिलवाया, मोदी जी ने, कैसे, उनके बैंक अकाउंट खोलकर, उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडीज डायरेक्ट डालकर। पहले क्या होता था, पहले ये नहीं होता था, पहले है क्या, पहले ये होता था कि सब्सिडी दी जाती थी बिजनेस मैन को, जैसे कि मैं गवर्नमेंट हो गया, ये बिजनेस मैन हो गया, तुम कंज्यूमर हो गए, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, गैस के सिलेंडर, कॉस्टिंग पड़ रही है 150, मैंने इसको सब्सिडी सीधे इसको दे दिया, सुनो सुनो, इसने 10 सिलेंडर बनाए, 10 सिलेंडर में इसको पर सिलेंडर कितने रुपये बचे, 50 रुपये सब्सिडी के, तो अब इसको कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, 100, 150 का था
सब्सिडी दे दी, इसे कहा तुम 100 रुपये में दो किसको, पब्लिक को। लेकिन इसने क्या किया, इसने ईमानदारी से लोगों को 100 रुपये में नहीं दिया जिसका राइट था, इसने क्या किया इलीगल तरीके से बेचा, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको भी इसने दिया 150-150 में, इसने जिसके पास कनेक्शन नहीं है उसको भी दिया, और तुम्हारा तुम्हें मिलना चाहिए था कनेक्शन, तुम्हें मिलना चाहिए था गैस, इसे तुम्हें नहीं दिया, इसने किसी और को दे दिया, जो जिसने कितने रुपए दिए इसको 150 रुपए दे दिए। हाँ तो इसने मुझसे भी प्रॉफिट लिया और वहां से भी, अब वो बेचारा जो रियल था जिसको चाहिए वो बेचारा परेशान हो रहा है कि मुझे गैस नहीं मिली, गैस नहीं मिली, अब ये बोले हम क्या करें, गैस नहीं है हमारे पास, तो उसका बेनिफिट किसने ले लिया, इन्होंने ले लिया, ठीक है। और दूसरी तरफ सुनो, जैसे ही अब मोदी जी ने बोला क्या, अब इसको कितने की पड़ रही है गैस, 150 की, अब तो 150 की पड़ेगी ना, अब इसको मिली नहीं सब्सिडी, अब मोदी जी ने बोला हाँ भाई तुम एक काम करो, जिसकी सब्सिडी जिसको गैस देनी उसको दे दो, सब्सिडी सीधा उसके अकाउंट में जाएगी, तो अब वो रियल टर्म में वहां जा रही है सब्सिडी जहां जानी चाहिए, पहले कहां जाती थी, इंडस्ट्रीज को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन बफर स्टॉक, एकदम सही बात है, एकदम बफर स्टॉक हुआ क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया था, गवर्नमेंट ने क्या किया, सफिशिएंट जो भी एक्स्ट्रा होता था उसको अपने पास बफर स्टॉक के नाम पर रख लेती थी जिससे कि इमरजेंसी में काम आए। सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, यस बट आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, डू यू एग्री द, आई थिंक क्वेश्चन के बोलने के तरीके तो बदल गए होंगे इसके अंदर, हाँ वही है, कोई बात नहीं आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन, याद रखना ये जैसे ये अभी क्वेश्चन आ गया सब्सिडी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सिडी वाला, इसको भी स्टार बनवा देना। उड़ी बाबा ऐसा नहीं हो सकता, अरे बाबा ऐसे कैसे होएगा बाबा, 27th तुम सही हो भाई, तुम्हारी बुक में मैंने वही PDF खोल के बैठा हूँ, बोल रहा है कि इसकी बुक में नहीं है। एक्सप्लेन द नीड एंड द टाइप ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे पॉइंट बता दोगे। मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अच्छा क्या नहीं मांग के, अच्छा ये मांगा क्या इसने, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, नीड एंड टाइप्स, ये बिल्कुल ना, द मेजर मेजर्स टेकन अंडर द लैंड रिफॉर्म, वो तो ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड, ठीक ये तो ये हो गए, लेकिन ऊपर ऊपर क्या दिया था इसने, अच्छा नीड, हम बोल रहे हैं क्यों जरूरत पड़ी हमें लैंड रिफॉर्म्स की, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इक्विटी, हमने यह किया लैंड रिफॉर्म हम लेकर आए जिससे कि इक्वालिटी आए, क्या है इक्वालिटी, वॉट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो पक्के आना है, इसमें तो कोई फिर बट है नहीं इस क्वेश्चन में, वॉट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वाई वॉज इट इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स, हाँ भाई अब हम आते हैं कहाँ, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड ट्रेड पर, अच्छा इंडस्ट्री एंड ट्रेड का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, अलग से दिया हमने ट्रेड, फॉरेन ट्रेड नहीं, वो तो हमने वो तो अलग ले लिया ना, हम तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर, हम तीन पार्ट में बांट देते हैं, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो यहाँ देखो ना क्या दे रहा है, या हेडिंग तो देखो, हेडिंग क्या दी है हमने, हेडिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना, और खरीदना बेचना किसके अंदर आता है, ट्रेड में, क्या है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों को यहाँ इकट्ठा कवर कर लिया गया। एक तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, पता आज़ादी के बाद गवर्नमेंट आ गई थी ना खुद ही सीधा इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो आए, डायमेंशंस ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हाँ तो आओ सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं इसके अंदर फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सरकार को जरूरत क्या थी आने की, अब इस सरकार को जरूरत क्या थी आने की, पहला पॉइंट लैक ऑफ कैपिटल, किसके पास नहीं था, पब्लिक के पास,
एट इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर ओनली एस्टेब्लिश्ड हाउस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज वेरी हाई. बिजनेस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है पैसा. सो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पॉइंट नंबर टू, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि लोगों का माइंडसेट नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए शायद. देखते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, उस समय पर इतने लोग अवेयर भी नहीं थे गुड्स को लेकर. लो लेवल ऑफ डिमांड, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, बस इसी बात हो कि लोगों की इनकम ही नहीं थी, डिमांड नहीं थी तो माल बिकता नहीं था, बिकता नहीं था तो लोग बनाते भी नहीं थे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे. ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस वीसियस साइकिल. क्या चीज़ नहीं तो ये अब तुम आगे चले गए, 90 तक आ गए हो पूरे. यहाँ पर से इतनी छोटी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि हम गवर्नमेंट को क्यों लेकर आए, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों हुआ. तो 1950-55 के बीच में हुआ, तो आप बोल रहे उस समय क्यों हुआ था, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं था. पहला पॉइंट क्या था, पैसा नहीं था. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लोगों की सोच नहीं थी इन्वेस्टमेंट की. भाई अरे एग्रीकल्चर वाले थे, उनको इंडस्ट्री के बारे में क्या पता था. भाई कल क्या हुआ, कल मैंने एक बैच में 6 to 7 वाले, 7 to 8 वाले में सब बच्चों से पूछा कि भाई कौन कौन क्या करेगा. तो ज़्यादातर बच्चे एक ही बार बोल रहे थे नौकरी 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 नौकरी. सब नौकरी करना चाहते, बिजनेस की बात नहीं करना चाहता. क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा नौकरी करना है ना. और वो जो पेरेंट्स बिजनेस करते हैं वो भी क्या बोलते हैं, आओ सुनते हैं. हाँ भाई तुम क्या करना चाहते हो. नहीं तो कहीं पापा ने बोला कि बेटा ऐसा है पढ़ाई लिखाई ढंग से करो नौकरी कर सको, इससे ऐसा बोला नहीं. ऑप्शन एक तो होना अलग चीज़ होती है. नहीं बोला ना, देखो देख रहे हो बिजनेस मैन भी अपने बेटे से क्या बोल रहे हैं कि सिक्योर है भैया. अब ये सोचो सिक्योर क्या है, कंपनी जो चला रहा है वो भी तो बिजनेसमैन है. हम उसके पास जाके सिक्योर है, हम अपना काम करके सिक्योर नहीं है. है हाँ, तुम्हारे पापा ने क्या बोला, जो ठीक है बस पढ़े पढ़ पढ़ाई. हाँ पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आप रेडी रहो, अगर बिजनेस फेल भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जॉब कर लेना. तो आपका एक तरह का क्या है, एक सब्स्टिट्यूट तैयार है. लेकिन हमने क्या बोला कि अब तुम बताओ, हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग भी अगर अगर ये बात कर रहे हैं कि नहीं बिजनेस नहीं करना है, और जिन बच्चों ने बिजनेस किए हैं ना, पेरेंट्स के कहने पे कोई नहीं करता, सब लोग अपने ही उसमें करते हैं. लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि जो बनी है, जो हम बात करते हैं बनी है, बनियों की का कॉन्सेप्ट है, वो तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं धंधे बैठ गंदी समझ. बाकी जो कास्ट है वो गलती से बिजनेस कर लेती हैं तो अपने बच्चों को अगली बार बिजनेस नहीं करवा. ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, हमें ग्रोथ तो चाहिए थी आज़ादी के बाद, लेकिन सोसाइटी का बेनिफिट देखते हुए. तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेदर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. हम क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी की ग्रोथ उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं. और ये बात कब की हो रही है, एग्जैक्ट आज़ादी के बाद, कि जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम इंडस्ट्रीज चलाएंगे. तो ये बोल क्वेश्चन क्या था, गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया कि वो इंडस्ट्री चलाएगी. पहला, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों की सोच नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की. और तीसरा पॉइंट जो आपने बोला, सोशल जस्टिस के लिए. तो व्हाट इज लैक ऑफ कैपिटल, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था. कौन थे, टाटा बिरला बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वही करते थे. दूसरा हमने बोला लोगों का तुमने देखा होगा क्या इंड्यूसमेंट, याद है इंड्यूस्ड ना, अच्छा बोला इंड्यूस्ड. और इसके अलावा तुमने और क्या पढ़ा, इंड्यूस्ड याद करो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. हाँ इंड्यूस्ड, हाँ इंड्यूस्ड क्या होता है, जो किसी से रिलेटेड इनकम से रिलेटेड होता है उसे कहते थे इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड क्या था, जो इनकम से रिलेटेड है उसे कहते थे इंड्यूस्ड, जो इनकम से रिलेटेड नहीं है उसे कहते थे ऑटोनोमस. तो ये बोल रहा है लो इंड्यूस्ड, क्या बोल रहा है ये, लो इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि लोग पैसा इनकम थी नहीं सेविंग थी नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बोला पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं थी, मतलब बिजनेस करने के लिए कैपिटल, वही पॉइंट नीचे. लेकिन अब क्या बोल रहा है, सोच भी नहीं थी, जिनका पैसा था भी उनकी सोच भी नहीं थी. क्यों नहीं थी सोच, क्योंकि
लिमिट मार्केट छोटे थे, डिमांड कम थी, इनकम कम थी, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हुआ करता था। ऊपर से सोसाइटी को तो बांटा भी इस तरह गया था ना कि ये आदमी बिजनेस कर, ये बनिया, ये खेती कर रहा है जाट, ये राजा साहब हैं ठाकुर, और ये मतलब ये कास्टिज्म जो बांटा गया इस तरह से, ये पूजा पाठ कर रहा है पंडित। हाँ भाई, अब हम आते हैं, पहले हमने क्या बोला, सरकार क्यों आई इंडस्ट्री, अब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ध्यान देना जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, क्यों आई ऊपर पढ़ा, क्यों आई इंडस्ट्री, मतलब सरकार क्यों आई इंडस्ट्री चलाने के लिए, जब आई वही तो था रिफॉर्म, सरकार का आना ही तो क्या माना गया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में हुआ क्या, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम लोग जो कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो कौन सा है? 2013। आज से 5 साल पहले कंपनी एक्ट क्या था पता है? 1956। यानी कि इंडस्ट्रीज कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 जब रिजोल्यूशन आया था इस बारे में कि कंपनी क्या चीज, क्या चीज, कौन कह रहा है? अरे रिफॉर्म्स थे ना, रिफॉर्म पहली बार देश में कंपनी एक्ट बनाया गया था सर, 1956 में, नाम नहीं बोला, हाँ कंपनी एक्ट वही तो है, 1956 में कंपनी एक्ट बना। अरे कंपनी किसका मतलब क्या है, कंपनी एग्रीकल्चर के लिए तो बनेगी नहीं, किसके लिए बनती है, इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ भाई, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट वॉज स्पॉन्सर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, बोथ प्राइमरी रोल पब्लिक सेक्टर का, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का, क्या समझते हैं अभी, अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ये जस्ट लाइक वो तुम्हें याद होगा, हमने LPG पढ़ी थी, LPG हमने पढ़ा था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकार ने डिसाइड किया था सब कुछ हम करेंगे, तो सब कुछ का मतलब सब कुछ तब भी नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि सरकार पहली बार तो एग्रीकल्चर में तो नहीं उतरी थी, एग्रीकल्चर से क्या निकल कर रहा है, वीट, वीट बाजार में बिक रहे थे, ट्रेडर बैठे, ट्रेडर दुकानदार, वो दुकानें क्या सरकार की थी, नहीं। अच्छा वो जो गेहूं था उसको पीसा गया, तो पीसने वाला क्या सरकार थी, नहीं सरकार गेहूं पीसेगी, नहीं सरकार बड़ी इंडस्ट्री लेकर आई थी, इस तरह काम नहीं, तो गेहूं की पीस कौन पीसेगा, वही बनिए, बनिए जो मतलब जो बिजनेस में आ गए, फिर उस गेहूं को क्या नाम है, उस आटे को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए कौन पहुंचा, अगेन पब्लिक, छोटे बिजनेस में, छोटे बिजनेस में, नहीं नहीं ये अभी सरकार इन चीज़ों में नहीं आई थी, सरकार सरकार किस चीज़ में आई थी, जो बड़े बिजनेस है, इंडस्ट्री जो रियल इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आई थी, वो बड़ी इंडस्ट्री में आई थी, जैसे कपड़े बनाने हैं, गुड्स बनाने हैं, उनमें आई थी वो, घड़ियाँ बनानी है, ये वो इंडस्ट्रीज थी जहाँ पैसा, आटे की चक्की लगाने में कौन सा पैसा लगना है, उन्होंने वो काम किए थे जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है उन्होंने फ्री कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, करें तो गरीबों को ही काम। हाँ जैसे कि अभी तुम लेटेस्ट खबर यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर को मेट्रो मिल चुकी है, यानी रेलवे किसके हाथ में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आ गया, अब रेलवे की मोनोपोली खत्म हो गई। अच्छा, हाँ वो नहीं तो आम भी खत्म हो गए, न्यूक्लियर बस बचा हुआ है, हाँ रिलायंस नहीं बना रही, रिलायंस रिलायंस अभी झगड़ा हुआ था, मोदी जी गए थे अनिल अंबानी को लेकर साथ में ले गए थे ना वहाँ पर रफेल वाला, हाँ हाँ तो हल्ला हुआ था अंबानी का, अरे हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट वही कह रहे हैं ना अब उसी के तो, अरे उसमें ये था कि पहला तो हम बना के देंगे बाकी हम यहीं पर ही बनवाएंगे इंडिया में, कौन बनाएगा, रिलायंस पहला बना के दे रहे हैं, बाकी तो यहीं पर वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ना, वो टेक्नोलॉजी हमें बताई जाएगी तभी तो यहाँ के लोग, अगर कुछ खराबी होगी तो उसको लेकर जाए, ये थोड़ी नहीं लेकर उड़ा के लेके जाएंगे। अब इसको वापस पढ़ते हैं, क्या है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट वॉज द स्पॉन्सर, स्टेट यानी सबको सरकार करने वाली थी, ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ कौन करेगा, सरकार, कुछ ऐसी थी फॉर बोथ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल, प्राइमरी रोल किसका था,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में रखा गया। ये कौन से थे? जैसे टाटा बिरला, जिन्होंने बिजनेस किए सरकार के साथ मिलकर, टाटा आयरन स्टील, सीमेंट कंपनीज, क्या प्राइमरी रोल का मतलब? अरे वो था ना प्राइमरी मोटिव सेकेंडरी मोटिव, मतलब कंपनी जो टाटा बिरला जो कंपनी चला रहे थे वो भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की थी। गवर्नमेंट चाहती थी बंद करवाई थी, बंद करो हम चलाएंगे, जो भी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम भी चलाओ हम भी चलाएंगे। तो ये वो इंडस्ट्रीज है जहां पर प्राइमरी रोल किसका था? गवर्नमेंट का। और सेकेंडरी क्या था रोल किसका? प्राइवेट सेक्टर का, कि तुम भी करो, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड काम जो अंग्रेजों ने पहले से चलाए हुए थे। एंड अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड, वही वाली बात जो आटा पीसने की चक्की और ये सब, वो सब किसके लिए? लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब इसको ऐसे समझ लो, ये जो रोल है ना, ये वाला सेकंड वाला, ये वो रोल है जहां पर लाइसेंस जरूरी था, इसी को कहते थे लाइसेंस। जब एलपीजी आई तो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी ना, वो इसी लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था, बहुत सारे आइटम्स को हटा दिया गया था। नहीं नहीं उसमें, अरे उससे भी क्या, इसमें से बैठाया ना, दोनों से किया गया। वो तो पब्लिक सेक्टर जो, वो तो प्राइवेटाइजेशन में चला गया, तुम कह रहे हो पब्लिक सेक्टर जो चल रहे थे वो तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। सेकंड में वो जहां पर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे थे, सरकार निकल गई, प्राइवेट को दे दिया और कईयों से यह कर दिया कि ठीक है अब तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं है, बिना कई काम लाइसेंस के साथ और कई काम बिना लाइसेंस के भी करवा दिए गए। हाँ पहले पहले लाइसेंसिंग के साथ थे, इस समय पर 90 से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी तो कम लोग आ पाते थे बिजनेस करने। रिलायंस का बड़ा अच्छा वो रहा कि रिलायंस आई 1990 में 1991 में, और जैसे ही वो आई ना एलपीजी का पूरा फायदा ले गया रिलायंस 10 सालों में। भाई साहब उन्होंने टाटा बिरला को टक्कर दे दी 10 सालों में। वो एक्चुअली बाहर चला गया था, सीख के आ गया था बाहर बिजनेस, वो जो तेल के कुएं गया था ना, तेल के कुएं बाहर जाके बिजनेस करके आया था। वो ग्रूमिंग कहते हैं, ग्रूमिंग ठीक है। और फिर उसकी बात सही बात है, ये तो माइंड सेट होता है लोगों का, ये ना बिजनेसमैन जो होता है ना उसका उसकी सोच होती है, बड़ा कौन बनता है? बड़ी सोच, बड़ी रिस्क लेने वाला। और कई लोग रिस्क लेके बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग रिस्क लेते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहला क्या बोला गया, तीन पार्ट में बांट दिया गया, पहला जो सिर्फ पब्लिक करे सरकार करेगी, दूसरा पब्लिक प्राइवेट मिलकर करेंगे, और तीसरा जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेंगे। फिर हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंड प्रमोट रीजनल इनइक्वालिटी एंड। अभी क्लियर है? बैकवर्ड एरिया में भाई, चंडीगढ़ में नहीं है मेडिसिन की इंडस्ट्री, कहाँ पर है? बद्दी हिमाचल में, यहाँ तो नहीं है ना, बद्दी आउटसाइड एरिया में है ना। क्या ये अगर वो इंडस्ट्री यहाँ मोहाली में या पंचकुला में या चंडीगढ़ में लगती तो यहाँ और डेवलपमेंट होता, लेकिन वो दूर रखी गई जिससे कि बैकवर्ड एरियाज में भी लोग पहुँचे काम करने के लिए। नहीं, अगर आपको मेडिसिन अगर कंपनी बनानी है, मतलब दवाइयाँ बनानी है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले सरकार से कि मैं इस कैंसर की दवाई को बनाना चाहता हूँ। सरकार तुम्हें लाइसेंस देगी तो पहले तुमसे कुछ बॉटी फीस देगी, उसके बदले फिर लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन यानी ओनली इन बैकवर्ड एरियाज में अगर आप जाओगे काम करने के लिए तो टैक्स हॉलीडे मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, 4 साल तक नो टैक्स, 4 साल तक नो टैक्स, फ्रीडम फॉर टैक्स फॉर सम टाइम एंड सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। आपको सप्लाई भी जैसे हिमाचल में इसलिए भी तो जाते हैं लोग बिजनेस करने के लिए, पहले तो उनको ज़मीनें सस्ती मिल जाती हैं, सरकार अलॉट करती है, बिजली सस्ती मिल जाती है, इसलिए बिजनेसमैन दूर जाकर भी बिजनेस करने के लिए तैयार। तुम्हारे पिताजी का भी तो उधर ही है, कहाँ पर है? हाँ मतलब ये आउटसाइड एरिया हो गया ना, मतलब अब बताओ रह आ रहे हैं कर वहाँ रहे हैं काम, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तब दिए थे सरकार ने, तो बहुत ज्यादा था। नहीं तो अब डेवलप हो रहा है ना, और नहीं तो अभी भी देखो ना, अभी भी कहाँ डेवलप्ड है। तुम जाके क्या शिमला में जाके अपना जीवन बिताना पसंद करोगे? आज जाके मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी पापा चले शिमला, वहीं वहीं जीते हैं। अरे वहां पर ना, हमने कहा ना वो इंडस्ट्रीज नहीं है ना वहां पर, मतलब वो चीज नहीं है वहां पर। वहां पर कौन जा रहा है?
जो मजबूरी में है कि शिमला में एक दिन घूमने जाना अलग बात है, बसना अलग बात है भाई। तुम गोवा बस सकते हो, गोवा एक अच्छा मतलब, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम आज के टाइम के हो, तो तुम्हें वहाँ पर नेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, वो सब तुम्हें शिमला में और बद्दी में, या ये बद्दी तो चलो फ्री मिल जाएंगी थोड़ी बहुत, शिमला में कहाँ मिलने वाली है। और ये स्कूल तुमने देखा होगा, जितने बड़े बड़े स्कूल होते हैं ये क्यों होते हैं आउटस्कर्ट्स में, इसीलिए तो होते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही नहीं है लोगों के लिए। लेकिन देहरादून में तो बहुत है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ भाई देहरादून में तो मैं बस गया था देहरादून अपने जवानी में, जब मैं एजुकेशन हुआ करता था, एजुकेशन फील्ड में, तो मैंने सुना कि बहुत बड़ी एजुकेशन की वो चलती है, मैं पहुँचा वहाँ पर, हाँ देहरादून गया मैं, वो बड़ा सुबह सुबह रात को निकले सुबह पहुँचे, और फिर मतलब मुझे बड़ा शौक था स्कूल और कॉलेज देखने का, तो मैं एक ही कॉलेज देख कर आया, लोगों से मिल कर आया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि कौन सी रोड है, कौन सी माल रोड कहते हैं, क्या कहते हैं है, नहीं वो तो हर जगह होती है वो रोड, नहीं देहरादून से उन्होंने बताया, देहरादून से आगे जाके एक और जगह पड़ती थी, क्या थी, थोड़ा आगे जाके मसूरी, हाँ मसूरी, वो बोले 50-60 किलोमीटर था वहाँ से, फिर मसूरी गया। और मतलब वहाँ पर तो बच्चे, मतलब देहरादून में तो बच्चे पूरे आवारा और एकदम बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े, मतलब वो है रिच, रियल रिच फैमिली जो है ना, जो बच्चे जो रियल लाइफ जो मतलब जो इन्जॉय कर दिल्ली, वो वहाँ का क्राउड कहाँ जाता है दिल्ली, वहाँ क्राउड, हाँ दिल्ली का तो बहुत क्राउड होता है देहरादून साइड में। नहीं अरे खर्चा, अरे फीस लगती है, हाई फीस है यार, डलहौजी, डलहौजी की एक बच्चे की फी है 2.5 लाख रुपए, यहाँ पर तुम सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ोगे ना चंडीगढ़ में, तब भी 2.5 लाख रुपए नहीं है, YPS की भी 2.5 लाख रुपए नहीं है, नहीं ना। अरे सुनो, यहाँ का जो थोड़ा सही सा स्कूल है वो 5000 रुपए एवरेज फी है, 5000 रुपए पर मंथ, और अच्छे पे आओगे 10 और पे चले 15000 चले जाओ। किसमें वो कौन सा ले, डे बोर्डिंग की या बोर्डिंग, बोर्डिंग के बेस में होगा वो, बोर्डिंग के है क्या, नहीं नहीं तो तुम इसको और समझो ना, इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ पर मान, तुम्हारी बात मान ली हमने, कर दी 25000, कर दे 25 मल्टीप्लाई 12, एक रुक जाओ अभी, हाँ भाई कितने हो गए ये अप्रोक्स में, 3 लाख पकड़ लो, अरे सुन तो लो, पूरा सुन लो, 3 लाख पकड़ लो, ठीक है अब सुनो मेरी बात, यहाँ से ये 3 लाख चंडीगढ़ में है जहाँ बहुत खर्चे हैं, है वहाँ पर तो पहाड़ी में खर्चे बताओ क्या है, है पहाड़ी में खर्चे बताओ क्या है, इस स्कूल के टीचर्स होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे, उनकी फीस सैलरीज भी आई आई होंगी, है ना, बच्चों को जो बच्चों के जो खर्चे होंगे वो भी होंगे, लेकिन पहाड़ी में क्या है बताओ, है वहाँ पर तो उनको वो मिल रहे हैं टीचर 30,000 रुपये 40,000 रुपये में ही दिन भर लगे पड़े काम करने के लिए, क्वालिटी थोड़ी मिल रही है, यहाँ तो क्वालिटी मिलेगी ना, यहाँ तो अच्छे टीचर्स पहुँच पाएंगे यहाँ पर हाई सैलरी के अंदर। हाँ जी, तो हमने, हम आए कहाँ पर कि डायमेंशन पे आते हैं, डायमेंशन क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पहला तो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसके पास थी, गवर्नमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री किस किस तरह की, मतलब उसके ना एनवायरनमेंट के डायमेंशन किसे कहते हैं, ऐसे ही दूसरा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भी हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री कितनी होती है, दो, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, मीडियम स्केल बोल सकते हैं, है ना, तो ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो इन्वेस्टमेंट इन इज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए, और जो आप क्या चल रहा है 5 करोड़ का हिसाब चल रहा है, टू जनरेट, मतलब ये बता रहे हैं किसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड जस्टिस, नहीं नहीं एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ ही मिलेगा, हाँ वो तो ऑब्वियसली मिलने ही है ना, दोनों चीज़ें हो रही, नहीं नहीं लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री होगी, हैवी इंडस्ट्री से कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना, हैवी इंडस्ट्री, तो बोल रहे ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों ही इंडस्ट्रीज थी, कुछ पॉइंट क्या है, डायमेंशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किस किस का किया गया, एक तो लार्ज स्केल का और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, तो स्मॉल स्केल का मतलब थोड़ी छोटी और लार्ज स्केल का मतलब जो बहुत बड़ी है, जो बहुत बड़ी कंपनी थी वो किसके पास थी,
गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जैसे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट जिसमें 5 लाख तक का चाहिए और अब जो 5 करोड़ तक का चाहिए, ये क्यों किया गया? जिससे कि लोगों को क्या हो, एम्प्लॉयमेंट मिले और सोशल जस्टिस यानी इक्विटी, लोगों को पैसा मिले। सीधी बात, करेक्टरिस्टिक किस चीज़ की? इंडस्ट्रियलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक बोल रहा है। हाँ भाई, लेबर लेबर इंटेंसिव, उस जमाने की बात हो रही है ये, लेबर इंटेंसिव सो एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होनी चाहिए। यूज मोर लेबर देन कैपिटल, इसका मतलब होता है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी यूज करती है। इसको ऊपर से हम लिंक कर देते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम लगना है क्योंकि इसके अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होगी, जबकि जो हमने बोला लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी। तो पहला पॉइंट क्या बना? लेबर इंटेंसिव। हमने हमारा देश किस किस लिए किस पे पॉइंट किस पॉइंट पर गया था कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे। फिर आगे बढ़े, लोकलाइजेशन, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सो इक्विटी ओरिएंटेड। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड एरियाज में जो आपका सेटअप लगाना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू द जहां पर रॉ मटेरियल है उसके आसपास, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसान रहे, और स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। क्योंकि 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए से अगर बिजनेस लग रहा है तो क्यों ना ही काम करें, बैकवर्ड एरियाज में लगाएं जिससे वहां पर भी लोगों को क्या मिले, जॉब। नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट सो इक्विटी ओरिएंटेड। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट किसकी बात कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो हम बोल क्या रहे हैं समझते हैं। डायमेंशन क्या था, सिंपल कर देते हैं। डायमेंशन क्या था इंडस्ट्री का? एक तो थी लार्ज स्केल और एक थी स्मॉल स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल जहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगती थी, स्मॉल स्केल जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती थी। इसमें कम पैसा चाहिए था। लार्ज स्केल पूरे इंडिया में हर शहर में तो नहीं हो सकती है ना, ये तो कम होती थी, लेकिन जो स्मॉल स्केल थी वो बैकवर्ड एरियाज में प्रमोट की गई। जितना बैकवर्ड में जाओगे उतना हम आपको सब्सिडीज भी देंगे, टैक्स हॉलीडे भी देंगे, है ना, जिससे क्या हो आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सको, लोगों को जॉब दे सको और सोसाइटी की इक्वलिटी भी आए। कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोल दिया गया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किया गया। दूसरा क्या बोला गया, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए लोकेशन को लेकर स्मॉल स्केल के लिए, है ना, किसके लिए, स्मॉल स्केल के लिए, जिससे इक्विटी आए। और तीसरा क्या बोला कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए गए जिससे इक्विटी, जैसे दोनों एक ही है, दोनों मंत्र क्या है, वैसे पॉइंट 2 ही बन रहे हैं इसके अंदर, तीसरा जबरदस्ती कर दिया इन्होंने। हाँ, इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थे आजादी के टाइम पर, ये इंडस्ट्री किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट। अब बोल रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, पहले बोला डायमेंशन बताओ, इंडस्ट्री कैसी कैसी, दो तरह की थी, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। यहां पर क्या होगा, ये हर जगह नहीं हो सकती है, ये हर बैकवर्ड एरियाज में भेज सकते हैं, तो कम पैसा लग रहा है इसके अंदर। इसके अंदर सरकार ने सब्सिडीज भी दी और प्रमोट करने के लिए कि जो बिजनेस मैन है वो आए हमसे लाइसेंस लें और छोटे शहरों में बैकवर्ड एरियाज में जाके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। जबकि इस तरफ लार्ज स्केल में सरकार ने खुद जिम्मेदारी उठाई कि ये बिजनेस हम खुद ही संभालेंगे। फिर है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द 1950-50। तो आओ देखते हैं। हाँ भाई, प्राइमरी रोल किसका था, पब्लिक। सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर, जिसको क्या बोला गया, अंडर द परमिट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के बिना उनको परमिशन नहीं मिलने वाली थी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, ये क्यों किया गया है सब कुछ, सेल्फ रिलायंस, किसके लिए, सेल्फ रिलायंस होने के लिए, इकोनॉमी द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे कि हम कम से कम उधार दूसरे, मतलब कम से कम फॉरेन एक्सचेंज पर डिपेंड रहें। फिर समझते हैं सरकार ने इंडस्ट्री क्यों बनाई, जिससे कि हम बाहर से चीज़ लेकर ना आए, हम खुद ही अपने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस बने। डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिटर, क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक को कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए हैवी ड्यूटी लगा दी गई किसमें, इम्पोर्ट पर, और फिक्सेशन कर दिया कोटा। तो याद होगा तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं टैरिफ, टैरिफ, और इसे क्या बोलते हैं, ओ बदतमीज, कोटा। कोटा और टैरिफ दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट थे।
तो इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या किया गया, कोटा लगा दिया गया और टैरिफ लगा दिए गए। हाँ जी, ऐसे ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने पढ़ी थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंप्लॉयमेंट एंड इक्विटी के लिए। क्या बोल रहा है, ये फीचर्स बताए गए थे इंडस्ट्रियल, कुछ अलग नहीं है, वही जो ऊपर पढ़ा था वही सब है, कंक्लूड किया गया है ये कि फीचर्स क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। हमने क्या बोला कि प्राइवेट सेक्टर था, सॉरी पहला तो गवर्नमेंट सेक्टर मेन था जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री चलाता था। पहला क्या था, प्राइमरी रोल किसका था, पब्लिक का, जो हैवी इंडस्ट्री में आया क्योंकि वहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, और उससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट और वो सब तो हुआ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, थोड़ा इक्वल होएगा। दूसरा पॉइंट, हाँ भाई, दूसरा पॉइंट क्या लेकर आया, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर, तो इनको लाइसेंस दिया गया और इनको ऑफर भी दिया गया कि अगर तुम बैकवर्ड एरियाज में आगे काम करोगे तो तुम्हें हम क्या देंगे, सब्सिडीज भी देंगे और टैक्स हॉलीडे भी, टैक्स हॉलीडे और सब्सिडीज आपको देंगे। फिर तीसरा इसने बोला, अभी तीसरा इसके पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, फिर से ध्यान देना, इनको मैं दोबारा इनका पॉइंट बनाता हूँ। पहला क्या था, प्राइमरी रोल, दूसरा क्या था, ये सेकेंडरी रोल, फिर हम सीधा आ रहे हैं कहाँ पर, इसी के साथ जोड़ रहे हैं, ये था लार्ज स्केल के बारे में और ये था स्मॉल स्केल के बारे में, इसलिए नया पॉइंट ना बना के उसी पॉइंट को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी दो पॉइंट है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, है ना। तो हमने क्या बोला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आए, क्योंकि इंपोर्ट करते तो क्या आता मार्केट में, कॉम्पिटिशन, तो उस कॉम्पिटिशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, कोटा और टैरिफ लगाए, जिससे कि बाहर से इंपोर्ट हम कम कर सके, और उस इंपोर्ट को कम करोगे तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन लाना पड़ेगा, तो क्या लेकर आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। एक बार वापस आते हैं इसको, हम एक बार फीचर्स को दोबारा लेके आते हैं। पहला फीचर मैंने क्या बोला, प्राइमरी रोल किसका, क्यों, क्योंकि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम करेगी और क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी देश का और एम्प्लॉयमेंट पे करेगी, जिससे इक्विटी भी आएगी। पॉइंट नंबर टू, जो हमारा सेकेंडरी रोल था वो किसका था, प्राइवेट सेक्टर, जिसको लाइसेंस दिए जाएंगे और ये बैकवर्ड एरियाज में अगर काम करते हैं तो इनको क्या, टैक्स हॉलीडे और सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, इससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होएगा। फिर क्या बोला, पॉइंट नंबर थ्री, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आए। व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सेल्फ रिलायंस, हमें इम्पोर्ट कम से कम करना पड़े, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए पहले तो जो इम्पोर्ट चल रहा था उस इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए और कोटा, हाँ कोटा क्या कर दिया गया, कम कर दिया, क्या चीज, हाँ पहला सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंडरी रोल किसका, प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें लाइसेंस दिए गए, जिसे कहते हैं लाइसेंस राज और अरे वो था बैकवर्ड एरिया में भेजा जाएगा, अगर बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा और सब्सिडीज के बेनिफिट मिलेगा, टैक्स हॉलीडे एंड सब्सिडीज मिलेंगी, टैक्स हॉलीडे एंड सब्सिडीज मिलेंगी। अभी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी काम करते हैं, अब हमारे पास जो बचे हुए हैं बैड और गुड इफेक्ट और इसका इम्पोर्टेंस, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।